एक शख्स 13 बार फेल हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर बार बिखरे हुए हौसले को बटोरा और नए जोश के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगे रहे। आखिरकार वे अपने टारगेट यूपीएससी को भेदने में कामयाब रहे और आईएएस बन गए। इस अधिकारी ने ट्वीट कर बताया कि वो कब कब और किन मौकों पर फेल हुए। आईएएस अधिकारी का ट्वीट अब वायरल हो गया है। इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए, वहीं कई लोगों ने इसे प्रेरणादायक बताया है। जो लोग विभिन्न परीक्षाओं में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए यह ट्वीट रोशनी की एक नई किरण की तरह है। आईएएस अवनीश शरण 2009 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं। आईएएस अवनीश शरण अक्सर कई प्रेरणादायक ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी असफलता से जुड़ा किस्सा ट्वीट कर बताया। उन्होंने बताया कि वो 13 बार फेल हुए और फिर यूपीएससी परीक्षा क्रैक की कब कब हुए फेल। सीबीएस फेल, सीपीएफ फेल, राज्य लोक सेवा आयोग 10 से अधिक बार प्रारंभिक परीक्षा में फेल, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 1 प्रथम प्रयास में साक्षात्कार में फेल। इस तरह 2+10+1=13 बार वो फेल हुए। वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में विभिन्न परीक्षाओं के अंक प्रतिशत की भी जानकारी दी। अवनीश शरण ने अपने ट्वीट में बताया, 10वीं में 44.7%, 12वीं में 65% और ग्रेजुएशन में 60% अंक प्राप्त किए। हालांकि अवनीश शरण ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा दी थी तो उनकी ऑल इंडिया रैंक 77 थी। इससे पहले अवनीश शरण तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट सोशल मीडिया पर शेयर की थी। 10वीं में आईएएस अवनीश की 3rd डिवीजन आई थी। इस ट्वीट के वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने अपनी कहानी उसी फॉर्मेट में शेयर की जिस तरह अवनीश शरण ने शेयर की। वहीं कई लोगों ने कहा उन्हें इस ट्वीट से काफी आत्मबल है। निखिल श्रीवास्तव ने लिखा, टेड्स को आपको बुलाना चाहिए ताकि जो परसेंटेज को लेकर जो भ्रम बना हुआ है वह कम से कम खत्म हो। वहीं कई अभ्यर्थी जो परीक्षाओं में फेल हुए, वो भी आईएएस अधिकारी अवनीश शरण की कहानी से काफी प्रभावित नजर आए। गौरतलब है कि आईएएस अवनीश शरण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने 10वीं का मार्कशीट शेयर किया था, वह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। अवनीश शरण ने 12वीं बोर्ड के नतीजे आने के बाद छात्रों को मोटिवेट करने के लिए शेयर किया था। उन्होंने यह संदेश दिया है कि मार्क्स कम आने से निराश नहीं हो, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी।